बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं टिका खान सानी और आज बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। यकीनन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीह का मामला भी है और साथ ही नई जो खबर आई है परवेज़ मुशर्रफ जो साबिक सदर हैं और साबिक आर्मी चीफ भी हैं, उनकी सज़ा के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, जिसके बाद यकीनन हुकूमती हलकों में भी गहरी तशवीश है और साथ ही जो हमारे कौमी इदारे हैं उनमें भी यकीनन आर्मी की तरफ से तो गम गुस्से का इजहार भी सामने आ गया और रद्देमल भी सामने आ गया। दूसरी तरफ अदालत का सामना हुकूमत अदालत का फैसला हुकूमत के सामने खड़ा है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास बुलाया है और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी सबसे बड़ा फोरम है, उसका हंगामी इजलास आज वज़ीर आज़म ने बुलाया, उसमें मशावरत की गई, बड़े फैसले हुए। हुकूमत जो है अब क्या करने जा रही है मैं आपको ये बताता हूँ। हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस हुकूमत के पास हैं, रिव्यू में भी जा सकती है हुकूमत इस हवाले से, जो आर्मी चीफ के हवाले से हुकूमत जो है पार्लियामेंट में बिल पास यानी एक कानून साजी के हवाले से कॉन्फिडेंट है कि कानून साजी हो जाएगी। हुकूमत इस हवाले से परेशान नहीं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का मामला लटक सकता है। हुकूमत को यकीन है कि तौसीह का मामला पार्लियामेंट में हल कर लिया जाएगा, ये बेचैनी तो ख़त्म हो गई चूँकि हुकूमत करने जा रही है, इसमें कानून साजी करने जा रही है और अभी टाइम भी काफ़ी है। दूसरा मामला है परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की, एक 40 अरसा पाकिस्तान में फ़ौज में उन्होंने जिम्मेदारियां अंजाम दी, यकीनन उनके ऊपर जो गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर उनकी उनको सज़ा दी गई है, उस हवाले से हुकूमती हलकों में यकीनन बड़ी बेचैनी है और आर्मी की तरफ से तो सख्त रद्देमल सामने आया। लेकिन हुकूमत क्या इस मामले में भी परेशान है? हाँ, हुकूमत परेशान ज़रूर है चूँकि एक खासा रद्देमल है, फ़ौज की तरफ से नाराज़गी का इजहार सामने आया। इसके साथ साथ चूँकि ये ऐसा फ़ैसला है जो तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि आइन से गद्दारी की सज़ा उनको सख्त सज़ा यानी दी गई है, इस हवाले से हुकूमत परेशान तो ज़रूर है लेकिन इतनी परेशान नहीं। हुकूमत बाएतमाद है, जिन जिन वज़रा से मेरी काफ़ी वज़रा हैं जिनसे मेरी बात हुई, हुकूमती हलकों से बात हुई, लेकिन वो पुरएतमाद हैं कि ये मामला भी चाहे रिव्यू में जाए, और ऑप्शन मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान भी मौजूद हैं, अपील का हक हुकूमत के पास है, हुकूमत ख़ुद भी इसमें मज़ीद कानूनी मशावरत जो है वो जारी रखे हुए है, हुकूमत इस मामले का सलूशन निकाल लेगी चूँकि कौम ने काफ़ी ज़्यादा अपने अफवाज पाकिस्तान से हमदर्दी का इजहार किया है और आवाम की तरफ से भी जो रद्देमल सामने आया है वो यकीनन देखा होगा। अदालती फैसलों का एहतराम अपनी जगह पे, यकीनन अदालतें जब फैसला करती हैं तो बहुत चीज़ें देखकर फैसला करती हैं और हुकूमत उन फैसलों के आगे खड़ी नहीं होती, ना ही शायद फौज खड़ी हुई है, लेकिन सारे ऑप्शंस इदारों के पास हुकूमत के पास मौजूद हैं, वो यूज़ कर रहे हैं और इस हवाले से हुकूमत एक नई स्ट्रेटजी के साथ सामने आ रही है दोनों चीज़ों में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी हुकूमत जो है और साथ ही मेंबरान के हवाले से भी नई स्ट्रेटजी प्लान कर रही है और एक नई चीज़ों के साथ हुकूमत जो है मैदान में आने के लिए तैयारियां कर रही है। लेकिन हुकूमत परेशान नहीं है इन फैसलों से, परेशानी मामूली है, चंद दिनों की परेशानी है। यकीनन आज की सारी अखबारों में यही तबसरा चल रहा है, अखबारों की सुर्खियाँ शह सुर्खियाँ यही हैं, अपोजिशन भी भरपूर तनकीद करती नज़र आ रही है और यकीनन अपोजिशन के लिए ये अच्छी खबर होगी। इस वक्त पाकिस्तान की प्रायोरिटी क्या है? खुशहाली, तरक्की और पाकिस्तान में रोज़गार, मईशत का इस्तेहकाम, इसके साथ साथ हमारी तालीम, सेहत पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये प्रायोरिटी है। ये बड़े फैसले शायद ज़रूरत ना हो, हुकूमत की प्रायोरिटी है ये कि इस्तेहकाम कैसे लाना है। हाँ, हुकूमत एक बात पे बहुत परेशान है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इंतहाई ज़्यादा परेशान है, वो मामला अदालती फ़ैसलों का नहीं है, वो मामला मलेशिया और मलेशिया के, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जा नहीं सके, कमिटमेंट के बाद वज़ीर आज़म कुआलालंपुर समिट में नहीं जा सके, मलेशिया उससे नाराज़। यकीनन अगरचे बड़ा एक बड़ेपन का मुजाहरा किया है महातीर मोहम्मद ने, जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने फ़ोन करके माजरत की तो उनकी तरफ से एक अलामिया जारी किया गया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की पोजीशन को समझते हैं और हम पाकिस्तान को बिल्कुल किसी किस्म का दबाव नहीं डालना चाहते, बल्कि मलेशिया तो सऊदी अरब के तहफ़ात दूर करने के लिए भी तैयार है। नाराज़गी क्या है वज़ीर यानी सऊदी अरब की क़यादत यकीनन नाराज़ है, यूएई की क़यादत नाराज़ है, इसके साथ साथ हमारी दूसरी तरफ जो कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें ईरान है, इसके साथ तो
तुर्की है और साथ ही कतर है, यकीनन इनकी मुखालफत का भी सामना हमने मोल लिया क्योंकि वहाँ गए नहीं और हमारा इवन वज़ीर ख़ारजा भी नहीं जा रहे और हमारा कोई नुमाइंदा भी तो नहीं जा रहा। शायद शुरुआत में कुछ गलती हुई होगी लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस मामले पर खासे परेशान हैं कि इस मामले को अब हैंडल कैसे करना है, चूँकि एक बड़े भाई की हैसियत से वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की नाराज़गी जो है यकीनन वो वज़ीर आज़म को इतनी आसान नहीं है कि वो इसको ईजी ले लें, चूँकि वज़ीर आज़म खुद गए फिर नाराज़गी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए और वज़ीर आज़म को खुद जाना पड़ा, जाके उनसे बात की, वन ऑन वन मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए। अगरचे वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो तो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, वो टेस्टेड फ्रेंड है। शेख रशीद कहते हैं कि हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा होता है सऊदी अरब, और यूएई का भी यही हाल है, यूएई ने भी हमारी मदद की और हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, हम दोनों को नाराज़ नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ दूसरे चार ममालिक हैं जो कि इसमें शिरकत कर रहे हैं कुआलालंपुर समिट में, हम जस्टिफाई नहीं कर सके इसको, लेकिन इन मुल्कों की को हमारी पोजीशन का पता है। तो यूँ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नाराज़ हैं इस फैसले से, यकीनन मुस्लिम उम्मा की यूनिटी नहीं टूटेगी, मैं ये भी दावा कर सकता हूँ यूनिटी पाकिस्तान अगर नाराज़ है यूएई और सऊदी अरब तो पाकिस्तान फिर एक दफ़ा जोड़ेगा, कोई नया ब्लॉक नहीं बन रहा। ये तो महातीर मोहम्मद ने भी खदशात जो हैं उसको नफ़ी कर दिया उसकी, लेकिन सऊदी अरब और यूएई हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम मुल्क हैं, हमारे लिए मुकद्दम मुल्क हैं, और ख़ासतौर पर जो रिश्ता है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से वो बड़ा करीब है, एक दूसरे के दिल के करीब हैं वो, और बड़े इज़्ज़त और मुकाम का रिश्ता है। और यकीनन नाराज़गी वहीं होती है जहाँ मान हो, जहाँ फ़ख्र हो, जहाँ भरोसा हो, जहाँ एतमाद हो, तो यकीनन मुझे लग रहा है कि कोई एतमाद का ताल्लुक है, इस एतमाद ही जैसी ही कोई चीज़ जुड़ी हुई है, और हम ना चाहते हुए भी इस अभी तक खदशात दूर नहीं कर सके। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मुझे यकीन है चूँकि उनका इरादा ठीक है, नीयत ठीक है, वो जिस लिहाज से मलेशिया जा रहे थे वो महातीर मोहम्मद का बहुत एहतराम करते हैं, उनको उस्ताद मानते हैं। मैंने खुद कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे इमरान ख़ान, उस वक्त उनका तज़किरा मैंने सुना, वो आइडियल समझते हैं महातीर मोहम्मद को, वो इस वजह से जा रहे थे कि महातीर मोहम्मद ने बुलाया है कुआलालंपुर में, शायद उसका कोई और जवाब नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अगर खदशात है यूएई के और सऊदी अरब के, वो दूर करने की कोशिशें हो रही हैं, और यकीनन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस मामले पर सख्त परेशान हैं, और मुझे यकीन भी है कि हैंडल कर लेंगे। अल्लाह ताला ने उनको अभी तक तमाम मामलों में सुरखरू किया है इमरान ख़ान को, अल्लाह ताला साथ देता है जिसकी नीयत ठीक हो। और ये दुआ करें कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, अल्लाह करे कि जिस तरह फौज पाकिस्तान का रद्दमल आया, हुकूमत का भी रद्दमल सामने आया, और अदालतों का फैसला भी है, जुडिशल सिस्टम भी है, हुकूमत चाह रही है कि जैसे वो यूएई और बाकी मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक न्यूट्रल रोल प्ले करने जा रही है, उसी तरह इदारों में भी हम आहंगी लाने के लिए हुकूमत कमर बस्ता होने लगी है। यकीनन जुडिशरी है, हमारे दीगर कौमी इदारे हैं, डेमोक्रेसी है, इसके साथ साथ फौज पाकिस्तान है, हम आहंगी लाने के लिए हुकूमत जो है तैयारियां कर रही है। ये दो खबरें हैं, एक तो ये कि वज़ीर आज़म परेशान हैं और परेशानी का हल तलाश कर रहे हैं, यकीनन दोबारा एक नशिस्त होगी उनकी और फिर दोबारा इन्हीं ममालिक का दौरा होगा, ये रबते तेज़ करने लगे हैं, और दूसरी तरफ इदारों में हम आहंगी लाने की तैयारियां हो रही हैं। और पाकिस्तान का बुरा सोचने वालों के लिए ये बुरी खबर, उनके लिए बुरी खबर है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज और मईशत बेहतर हो रही है, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगा। आप दुआ करें, ये भी दुआ करें कि ये परेशानी का हल भी वज़ीर आज़म निकाल लें। टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, साथ साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर खबर नई खबरें लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।